नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर अपन फ़ोन को पूरी रात चार्ज करेंगे तो सेफ़ है या नहीं है। कई लोग ने नेट में पढ़ा होगा कि अपना फ़ोन ऑटोमेटिकली अगर फुल चार्ज हो जाए तो फुल चार्ज होने के बाद उसमें चार्जिंग एकदम स्टॉप हो जाता है, लेकिन क्या ये बात सच है? चलिए एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से ये बात को जानते हैं। 100% चार्ज होने के बाद क्या चार्जिंग बंद हो जाता है? अगर बंद नहीं होता तो क्या होता है? कितनी देर के बाद ये बंद होगा? ये सब वीडियो में जानने के लिए स्टे ट्यून। तो मैंने एसी वाली एक केबल ली है। मैंने एसी वाली केबल का प्रयोग इसलिए किया ताकि मैं और कोई सा भी यूएसबी केबल इसमें डाल सकूं, जैसे सी टाइप हुआ या फिर नॉर्मल यूएसबी केबल हुआ, वो सब यूज़ करने के लिए। तो इसमें चार वायर हैं, वोल्टेज के लिए और डाटा के लिए। तो मेरे को अभी के लिए सिर्फ वोल्टेज को ट्रांसमिट करना, तो सिर्फ मैं ये फर्स्ट दो वायर यूज़ करने वाला हूँ। तो इसका सर्क्यूट एकदम सिंपल है, जैसा अपन ओम्स लॉ में यूज़ करते हैं उसी तरह मैं करने वाला हूँ। मैंने नेगेटिव दोनों वायर को शॉर्ट कर रखा है और ये जो मेरे लेफ्ट हैंड में है वो मेरा मेन सप्लाई है। तो जैसे मैंने आपको सर्क्यूट में बताया, मैं अमीटर को पॉजिटिव ऑफ द अमीटर को वायर के पॉजिटिव से कनेक्ट करूँगा और एक और एंड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दूँगा। और इस तरह मेरे को जो भी फ़ोन को चार्ज करना है उसका केबल में इंसर्ट करके मेरा फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ। वोल्ट मीटर को यूज़ करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट करना है। इसके लिए वोल्ट मीटर का नेगेटिव मैं मेन वायर के नेगेटिव से करूँगा और पॉजिटिव को जो अपने अमीटर का नेगेटिव है उस पर कनेक्ट करने वाला हूँ। ये कनेक्शन पूरा हो गया, अभी अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैंने 25%, 60, 50 इसका रीडिंग लिया। तो आप देख सकते हैं कि करंट की वैल्यू क्या है। करंट की वैल्यू कुछ स्टेबल वैल्यू थी, कब तक थी? 95% तक। जब 95 हुआ उसके बाद इसकी वैल्यू कम होने लगी और आप देख सकते हैं कि ऐसे कम होते 0.2 एम्पियर तक आ गई। और अगर मैं ये फ़ोन को स्विच ऑफ करता हूँ, उस समय अपन ने देखा कि देखो ये वैल्यू एकदम कम होती जा रही है और फुल चार्ज होने के कम से कम 10-15 मिनट के बाद ये वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। अभी मैंने एक और फ़ोन लिया और वही एक्सपेरिमेंट फिर से ट्राई किया। तो इस समय मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर 100% चार्ज हो जाता है तो आपको एक मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, और अगर अपन स्क्रीन को ऑन कर रहे हैं तो स्क्रीन को ऑन करते समय आप देख सकते हैं वो अमीटर की रीडिंग इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्क्रीन को ऑन करते समय स्क्रीन को पावर चाहिए, वो पावर वो बैटरी से ना लेते हुए स्ट्रेटली अमीटर से लेता है, सर्किट से लेता है। इसके लिए अमीटर में रीडिंग दिखाता है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू भी ज़ीरो हो गई थी। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैं एक और फ़ोन को लूँगा, एकदम नया फ़ोन। ये वाले फ़ोन में भी मैंने वैल्यू देखी। आप देख सकते हैं करंट की वैल्यू कुछ स्टेबल वैल्यू थी, इसमें भी 90% तक वैल्यू स्टेबल थी। 90% के बाद मैंने एकदम पूरा वीडियो बनाया, आप जो देख रहे हैं एकदम फास्ट मोड में है। तो ये वीडियो को मैंने बहुत ही फास्ट मोड में दिखाया है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी करंट की वैल्यू कम होती गई एक स्टेबल वैल्यू आने तक। जब इसकी वैल्यू 100 आ गई तो स्टेबल वैल्यू थी 0.2। और अगर मैंने स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ करने के बाद 20 मिनट तक ट्रिकलिंग चार्जिंग हुआ था। तो ट्रिकलिंग चार्जिंग ख़त्म होने के बाद ये फ़ोन में भी अपन देख सकते हैं कि उसका करंट वैल्यू ज़ीरो हो गया। मतलब ट्रिकलिंग चार्जिंग ख़त्म होने के बाद सर्क्यूट में कोई करंट नहीं जा रहा था, मतलब ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया करंट, कोई भी करंट इसके अंदर नहीं जा रहा था। ये अपन ने इसमें देखा। पूरे एक हफ्ते की रीडिंग्स लेने के बाद तो अपन ने देखा था कि जब फ़ोन 100% चार्ज हो जाता है उसके बाद तुरंत अपना करंट जाना कट नहीं हुआ। तीनों केसेस में अपन ने देखा कि करंट जा ही रहा था। ये होता है ट्रिकलिंग चार्जिंग मोड, जिस मोड में 100% बैटरी को मेंटेन करने के लिए करंट अंदर जाता है। ये ट्रिकलिंग चार्जिंग मोड ख़त्म होने के बाद अगर फ़ोन स्विच ऑन था तो उसमें 0.2 एम्पियर ऑफ करंट जा रहा था, कि अगर फ़ोन स्विच ऑफ है 100% चार्ज हो गया उसके बाद वो ट्रिकलिंग चार्ज भी ख़त्म हो गया, उसके बाद 0.2 एम्प भी करंट नहीं गया, एकदम ज़ीरो करंट अपने सर्किट के अंदर जा रहा था, अपने फ़ोन के अंदर जा रहा था। इसलिए अगर आपको पूरे रात अपने फ़ोन को चार्ज करना है तो आप बेटर ये होगा कि अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें और पूरे रात चार्ज करें, ताकि जब फुल चार्ज हो जाएगा उसके बाद
ऑटोमेटिकली चार्जिंग होना बंद हो जाएगा। वरना अगर आप ऐसा ना करेंगे तो क्या होगा, आपकी बैटरी की लाइफ जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप फ़ोन को सिर्फ 1 या 2 साल यूज़ करके दूसरा फ़ोन बदलने वाले हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने फ़ोन को चाहिए तो रात भर पूरा चार्ज कर सकते हैं। उसमें 0.2 एम्पीयर करंट जाएगा, लेकिन उसी वजह से फ़ोन में कुछ डैमेज नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बैटरी लाइफ थोड़ी कम होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।